लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जहां अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जिसके कारण लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया भी गया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक संतोषजनक खबर आ रही है, जिसको हम सीधा सुनेंगे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी से। आइए सुनते हैं। आज का अपडेट आप सभी की जानकारी के लिए, एम्स में जो 16 मरीज कोरोना के भर्ती थे, उनमें से 6 डिस्चार्ज होने की संभावना है, वो 6 आज डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो कुल 33 प्रभावित लोगों में से अब 10 बचेंगे एम्स में, बाकी को घर भेजा जा सकता है और चले जाएंगे आज के दिन घर में। ये एक जानकारी साझा करनी थी। उसके अलावा मैं फिर जैसे हर रोज कहता हूं कि पूरी सतर्कता बना के रखिए, ये घर जाने वाले आंकड़ों से अपनी तरफ की तैयारी को कम मत होने दीजिए, क्योंकि हर जानकार व्यक्ति इसी बात को दोहरा रहा है कि आने वाला समय हमारे लिए, सबके लिए, देश में, छत्तीसगढ़ में बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। अप्रैल का आखिरी सप्ताह, मई का पहला सप्ताह, तो उसमें बड़ी मात्रा में संक्रमण के मामले सामने आने की बात इन लोग कहते हैं, तो उस दिन के लिए हमको तैयार रहना है। हर महीने में मास्क लगा के, हाथ अच्छे से धो के 20 सेकंड तक, दूरी बना के और एहतियात पूरी तरह से बरत के, कोई भी आपको जानकारी लगे कि बाहर से अगर लोग आए हैं, हाल में कभी कभी सुनने में आ रहा है, तो जरूर जानकारी दीजिएगा, ताकि उनकी जांच कराई जा सके और उनको निगरानी में रखा जा सके। धन्यवाद। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।